वडोदरा की गलियां गर्दिश में हैं और इसके सीने पर कील गाड़ने वाले हैं दंगाई। जिस वक्त पुलिस का ये जत्था यहां पहुंचा, तब तक पत्थरबाजी हो चुकी थी, दुकानें तोड़ी और लूटी जा चुकी थी, पेट्रोल बम चल चुके थे। पुलिस ने भी सोचा था कि दंगाई भाग चुके हैं, लेकिन एकाएक पुलिस अधिकारी के पास ये पेट्रोल बम आकर गिरा। पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी हुई और पेट्रोल बम फेंके गए। सारा बवाल वडोदरा के पानी गेट इलाके में हुआ। पानी गेट इलाका संवेदनशील इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि रात 12:30 बजे जब यहाँ के लोग दिवाली मना रहे थे, उसी वक्त हड़कंप मचा। आरोप है कि दंगाइयों ने स्ट्रीट लाइट खराब करके फसाद शुरू किया। 12:30 बजे के बाद ये लोग ने अग्गासियों के ऊपर से पेट्रोल के बम के गोले बना बना के ऊपर से नीचे फेंके लड़कों के ऊपर, और ये जो भी सरकारी लाइटें थी वो पूरी टोटली सब बंद कर दी। सरकारी लाइटें पूरी बंद कर दी और लड़कों के ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया ढाबों के ऊपर से। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि जानबूझकर दिवाली मना रहे लड़कों को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। बाद में ऊपर से ये पेट्रोल भरे ले बम जैसे सब फेंके इनके अंग पे, नहीं बम भी भरे ले बम फेंकते थे छोकरे के ऊपर, नहीं तो वो छोकरे भी नहीं आते। 500 ऊपर इंसान आ गए इनकी जात में। जब भी दंगा होता है तो उसमें तोड़फोड़ और लूटपाट भी शामिल होती है, और इस लूटपाट के शिकार दोनों धर्म के लोग होते हैं। पहले चंद्रिका बेन को सुनिए। सास बुआ घर में ही थे, सामने फटाके फोड़ रहे, आजू बाजू सब अंधेरा हो गया, ने धमाल हुई ले। तो मैं हम घर में ही थे, सब जन हमको लेने आए थे ना, मेरे लारे ऊंधी कर देने तोड़ डाले, मैं बेवा होंगी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, ये गल्ले पे मेरा घर चलते ला, ने मेरा गल्ला तोड़ डाला। क्या कुछ पूरा ही तोड़ दिया, और क्या अंदर कुछ सामान था वो भी? सब ले गए, मेरा सामान भरेला था अंदर 10,000 का, सब मेरा नुकसान करा है अंदर। चंद्रिका बेन की तरह ही मोहम्मद रऊफ है, उनकी यहीं पर दुकान है। रऊफ तो दुकान बंद करके घर चले गए थे, मगर उनके दुकान के लिए आया दूध का ट्रक दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद रऊफ ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। और ये लोग यहाँ पीछे ही बैठे हैं, ये लोग यहाँ ये अपनी दुकान के पीछे ये भाग रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये लोग दारू वारू पीते हैं। अपने को उनसे कोई मतलब भी नहीं है, वो दारू पीते वो उनका एक शौक है, वो अपने शौक के लिए कुछ भी करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। वो असामाजिक तत्व बोलते हैं ना, ये वो टाइप का खेल हो गया कि 5 मिनट के अंदर पूरा खेल खत्म हो गया। दंगाइयों ने शहर की फिजा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की है, उन्होंने बाइकों में आग लगा दी, कारों के शीशे तोड़ डाले, जमकर पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। 17 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ હશે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ ને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। देखिए, ये वही सीसीटीवी है, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि दिवाली के महोत्सव को किस तरह से छलनी करने की कोशिश हुई है। कुछ लोग यहाँ आते हैं और हंगामा बरपा देते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, मगर पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से कई के परिजन नाराज हैं। ये जेबा है, जहाँ बवाल हुआ वहीं पर इनकी भी दुकान है। पुलिस ने इनसे दुकान का सीसीटीवी मांगा, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। जेबा आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को बेवजह हिरासत में लिया गया है। अब ये तो व्यापारी इंसान है, ये थोड़ी यहाँ पत्थर मारा करेंगे के कुछ करेंगे, धंधा पानी देखेंगे के यहाँ पत्थरे मारे करेंगे ये। और घटना होने के 10-15 मिनट पहले तो हम घर भी निकल गए, यहाँ मौजूद ही नहीं है। जो इंसान यहाँ मौजूद नहीं है वो इंसान यहाँ क्या करेगा आके। पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है, मगर जिस तरह से वडोदरा को सुलगाने की कोशिश हुई वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं और उसके पहले कानून व्यवस्था का बने रहना हर हाल में जरूरी है।
दिग्विजय पाठक के साथ सौरभ वक्तान, वडोदरा आज तक।